नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एंटी करप्शन की टीम ने वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार मौर्य को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लिया था 10,000 का रिश्वत। कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। डीएम ने कहा, शासन के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के तहत की जा रही है लगातार कार्यवाही। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए लिपिक सत्य प्रकाश शुक्ला हुआ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को भेजा जेल। गुरधुइया नाला के सफाई के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक नाला सफाई के कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पाठशाला का लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति करें जागरूक। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजपत्रित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा, जनप्रतिनिधि व अधिकारी गोद लेकर विद्यालय के कायाकल्प में दे अपना योगदान। प्रदेश के खाद एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, गेहूं क्रय में लाएं तेजी। किसानों को निर्धारित अवधि में करें गेहूं के मूल्य का 100% भुगतान। खाद्यान्न के वितरण में घटतौली पर करें कठोर कार्रवाई। कक्षा 4 से लेकर 8 के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, परीक्षा के माध्यम से बच्चों के IQ लेवल की जा रही है जांच। हर 3 महीने पर एग्जाम करवाकर बच्चों को पढ़ाई में बनाया जाएगा निपुण। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं नरसा के संरक्षक अनुपम शर्मा ने किया शुभारंभ। पूर्वोत्तर रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने जीते अपने अपने मैच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के ADG, कमिश्नर, DIG, DM, SSP से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चौथी लहर को देखते हुए निर्देश दिया कि नागरिकों का कोविड टेस्टिंग तेजी से किया जाए, जिससे कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको सही इलाज देकर ठीक करवाया जा सके और अभियान चलाकर लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान करके टेस्टिंग कराई जाए और नागरिकों के कोविड टीकाकरण में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आज IGRS प्रकरणों का समीक्षा करते हुए समय पर निस्तारण किया जाए और अगर कोई फरियादी कार्यालय में आता है तो उसको उचित न्याय दिया जाए। अगर जिले में कोई घटना घटती है तो अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर उसकी रिपोर्ट शासन को भेजे। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, अपर प्रशासन अजय कांत सैनी, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शासन में सहयोगी बने, विकासखंड से लेकर मंडल मुख्यालय तक के
विकास के, राजस्व के एवं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सबको संबोधित किया जाएगा। आज के संबोधन में सरकार की कार्य पद्धति के बारे में भी नहीं सरकार जो हमारा जो फील्ड है जानकारी आपका वहाँ पे कैसे शासन की सरकार बनाते हैं, कैसे शासन के तमाम सारी चीज़ों पर ध्यान करते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में अपन मुझसे जो बात इसके बारे में आपको जानकारी देगी। उसके बाद जो हमारी पब्लिक की जो कंप्लेंट है, पब्लिक की जो कौन सारी बातें आती है उनके बारे में अपन उसके बारे में मुख्यमंत्री जो आई आर एस का काम देते हैं वो इसके बारे में आपको जानकारी दे। यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा भी करेंगे जिससे कि शासन की जो वहाँ पे आपके द्वारा जमीन स्तर पर उपस्थिति होती है, जमीन स्तर पर लोगों को महसूस होता है काम करने। हम रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले अमित मोहन प्रसाद को कि वो कोविड के बारे में जानकारी। अभी तो हमारे एक्टिव केस की संख्या 289 थी जो बढ़ करके आज 1384 हो, तो इस तरह से 4 गुने से ज़्यादा का जंप हुआ है पिछले 14-15 दिनों में। इससे जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है वो ये कि जो भी केसेस डेली आ रहे हैं उनमें से लगभग 80% जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक मीटिंग की थी सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण के साथ और उसमें उन्होंने कुछ बातों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। एक बात तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी टेस्टिंग निरंतर होती रहनी चाहिए और जो टेस्टिंग के लिए आपको प्रोटोकॉल दिया गया है उसके अनुसार ही टेस्ट करना है। जो भी कोई पॉजिटिव होता है उसके जो हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उन सभी हाउस होल्ड मेंबर्स की टेस्टिंग करनी है और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट सिम्टोमेटिक दिखाई पड़े उनकी टेस्टिंग है। जो कॉन्टैक्ट सर्विस होटल के एसिम्टोमेटिक हो उनको आप अभी फिलहाल टेस्ट नहीं करें, तो आप इस तरह से इस प्रोटोकॉल से आप टेस्ट करवाएं। दूसरी बात ये है कि जो भी हॉस्पिटल्स में केसेस आ रहे हैं इंफ्लुएंजा के आईएलआई के या सारे के जो केसेस होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो वो हर अस्पताल आईएलआई और सारे के केसेस की टेस्टिंग जरूर करवाएं और निजी अस्पताल से भी आप कहें कि आप ही करवाएं और सरकारी अस्पताल भी इस काम को जरूर करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जनपद में अगर केस आने लगते हैं और हमेशा यही होगा कि वो केसेस आपको प्राइवेट लैबोरेटरीज से आएंगे। कई बार जनरल होती है कि नहीं प्राइवेट लैबोरेटरी को केस दे रहा है कि नहीं काम कर रहा है उसको बंद कर दें, ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। पैसेंजर को शूट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि उसी से हमको ये मालूम पड़ता है कि हाँ कहीं कोई सर्च हो रहा है क्या हो रहा है, तो टेस्ट सब जगह होने दीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्टिंग के साथ साथ जहाँ भी जो प्रोटोकॉल है इसके जब उसी की वैल्यू देता है आरटीपीसीआर उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजते हैं कि हमको मालूम पड़ जाता है कौन सा वेरिएंट इस समय हमारे टेस्ट में एक्टिव। एंटी करप्शन टीम ने राजस्व कर्मी सुशील कुमार मौर्य को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक शिव मनोहर यादव ने बताया कि 23 अप्रैल को सहायक अभिलेख कार्यालय के कर्मचारी रविंद्र कुमार चौधरी जो कि एक चेयरमैन है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि आरोपी द्वारा मेरी पत्नी के इलाज का चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बकाया का भुगतान के लिए उसी ऑफिस के बाबू सुशील कुमार द्वारा 10,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसकी सूचना को संज्ञान में लेकर उसकी जांच कराई गई, जिसके क्रम में टीम गठित कर बुधवार को दोपहर में कलेक्टर परिसर के बाहर मनोज चाय की दुकान पर सुशील कुमार मौर्य को 10,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी सहायक अभिलेख कार्यालय में वरिष्ठ सहायक है जिनके ऊपर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सर्वे विभाग के बाबू सुशील कुमार मौर्य को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसको देखते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शासन के जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जितने भी लोग कार्यालय में इस तरह का दलाली व बिचौलियापन या कर्मचारियों द्वारा नागरिकों का शोषण किया जाता है उसमें सभी के ऊपर कार्यवाही
कार्यवाही की जाएगी और गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार गोपनीय जांच सभी विभागों में चल रही है, जिससे नागरिक को सही समय पर सेवा मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक शिव मनोहर यादव और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तैयार कर गया तू। अरे ठीक है, जो आ गए वही लोग सर मोहर किया गया, नमूना मोहर तैयार किया गया। निरीक्षक शिव मनोहर यादव 22 को सहायक अभिलेख कार्यालय के कर्मचारी रविंद्र कुमार चौधरी जो चेयरमैन है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि मेरी पत्नी के इलाज का हिस्सा प्रतिपूर्ति सेवक साक्षी के बकाया का जो है भुगतान के लिए उसी ऑफिस के बाबू सुशील कुमार द्वारा जो है रिश्वत की मांग की जा रही है, 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इस सूचना को संज्ञान में लेकर के उसकी जांच कराई गई और उसी क्रम में टीम गठित कर आज दिनांक 23/4/22 को दोपहर 12 बजे टीम मौजूद रहेगी के आसपास कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मनोज चाय की दुकान पर 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया सुशील कुमार और विभाग है इनका सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में है, उसी में वरिष्ठ सहायक है बड़े बाबू। बरामदी भी इनके पास से 10,000 रुपये रंगे हाथ रिश्वती नोट बरामद हुए हैं। सर आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अब इनके विरुद्ध थाना कैंट में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराकर और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, जो ARO सर्वे विभाग के एक बाबू को सुशील कुमार मौर्या को ट्रैप में एंटी करप्शन की यूनिट ने पकड़ा है और उसमें हम लोग जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी शासन के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत जो भी फॉर करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस जो है उसकी नीति के अंतर्गत जितने भी लोग कार्यालयों में इस तरह के दलाली या बिचौलियापन या कर्मचारियों द्वारा शोषण किया जाता है उसमें कार्रवाई होगी, उत्तरदायी निर्धारित होगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस तरह का कार्रवाई लगातार हमारी गोपनीय जांच चल रही है, कार्यालयों में पटलों का दुरुस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, निरीक्षण हो रहे हैं, सभी विभागों में जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों को सभी उद्यमियों को किसानों को सभी को पारदर्शितापूर्वक समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक सेवा मिले इसी का मकसद को पूरा करने के लिए कवायद चल रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले लिपिक सत्य प्रकाश शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे शुक्ला निवासी मेहड़ा पोस्ट नुआन थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर मोहल्ला बशारतपुर आरोग्य मंदिर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा हर एक कार्यालय में जन
कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के कार्य में गोपनीय जांच की जा रही है, जिसको देखते हुए मंगलवार को जिला अस्पताल में स्थित दिव्यांग कल्याण विभाग में प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कुछ कर्मचारी संलिप्त होकर बिचौलियों के साथ साठगांठ बनाकर अवैध वसूली कर रहे थे और लोगों का शोषण कर रहे थे, जिसको गोपनीय जाँच में अवैध वसूली करते हुए सिद्ध पाया गया, जिसको देखते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजा जा रहा है और विस्तृत जांच करने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने दोषी अधिकारी को जेल भेज दिया है। इस मामले में अभी तक जांच चल रही है कि कौन कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों में गोपनीय जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति के दृष्टिगत हम लोग हर एक कार्यालय में जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में और जो सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम में लोगों को देना है उनके संबंध में गोपनीय जांच लगातार कर रहे हैं और उसी सिलसिले में दिव्यांग कल्याण विभाग के लिए प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया में कुछ कर्मचारीगण संलिप्त होकर बिचौलियों के माध्यम से साथ साठगांठ करके अवैध वसूली कर रहे थे और लोगों को शोषण कर रहे थे, जिसको गोपनीय जांच में सिद्ध पाया गया और उसके आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने के लिए और विस्तृत जांच करने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया और FIR हुई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है और अभी इस मामले के जड़ तक जाएंगे कि कौन कौन अधिकारी कर्मचारीगण संलिप्त थे और उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह हर एक विभाग में गोपनीय जांच का सिलसिला बरकरार रहेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गोरधुया नाले के सफाई के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों को बड़े 13 नाले को पहले सफाई करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर मशीन कम पड़ रही है तो निगम मशीन खरीद कर बड़े 13 नालों की सफाई करे और छोटे 117 नालों के लिए भी कर्मचारी लगा दे, जिससे कि 15 जून से पहले नालों की सफाई का कार्य पूरा हो सके। उन्होंने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट हर हफ्ते जाकर नालों की सफाई के कार्य का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कई जगहों पर बता दें काम चल रहा है, सफाई का और सड़क अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर स्लो भी है, तो आप इससे 15 जून तक आपका कार्योजना है कि पूरा कर लेंगे। इसमें टीका की नहीं पहुँची, सबसे पहले गोरधुया नाले का तो मैंने स्वयं देखा, लेकिन शेर क्या कहानी है सर, खजांची से स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच का, हाँ वो उसका नाला सफाई हो रही है सर, बनना है हम लोग पार्ट के एक तो ये बड़े नालों में सफाई होना एक पहला पॉइंट सर, 13 बड़े नाले हैं हमारे, 13 बड़े नाले हैं ना, 13 बड़े नाले हैं सर, 117 मझोले नाले हैं और 117 भाई हमारे 6 स्थान से शुरू हो गए, एक सब नाला वो भैया आप देख ही रहे हैं सर, दूसरा सर यहाँ पूर्व विहार गेट से वो शुरू होकर कैंट थाना तक जाता है सर, कैंट थाना से बेटिया नाका तना से छोटे काजीपुर वहाँ होती घोसियाँ मस्जिद वहाँ से चलते हुए सर रेती का काम था, रेती से होकर हमारा साहब में मंडी करता है बिबीता के सर, वो जहाँ पे आप बता रहे हैं सर वहाँ सर कुछ जगह इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है सर, जिसको हम लोग आपसे बता रहे थे सर मीटिंग दिखाई दे कोचिंग सर उससे तो प्रोवाइड नहीं सर, लेकिन अभी कई स्थानों ऐसे हैं जहाँ जरूरत है सर, ये मजिस्ट्रेट लोगों को समय काम करना चाहिए जो ये बता रहे हैं जहाँ असल जहाँ सर सही समय है सही अवसर है सर, जैसे आप गए थे सर वहाँ कुरजीपुर में मैं आपसे बता दिया सर वहाँ पे सावित्री हॉस्पिटल जो है वो हमारा इलाहीबाग रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है, जो तीसरा सबसे बड़ा नाल है, ऐसे करेंगे तो बोलेंगे छोटी नाव उतारते हैं, हमको नहीं लगता सर कि उस तरह की छोटी नाव या डोंगी उतार छोटी मशीनें ले सकते हैं नहीं हो सकती सर, उसको क्या बोलते हैं उसको नेस्टर बोलते हैं, पता नहीं बहुत सारे मशीनों का ब्रोशर है सर,
तो जो रेगुलेटर लगाया सर वो बहुत कम कैपेसिटी का है। हमने पूछा भाई, तो बोले 78 का लगा हुआ है। तो सर उसका हमको लगता है सर लेवल पानी का जो शहर में बढ़ रहा है उसका बड़ा कारण ये रेगुलेटर का विस्तारीकरण या सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव गया है, इरीगेशन डिपार्टमेंट से गया है। अभी फिलहाल क्या है ना, बड़े नालों का जो 13 नाले हैं उसको सफाई जहाँ नहीं हुई है वो मुझे बताएंगे आपको अगले हफ्ते तक बताएंगे। अभी तो मैं बरसात तक लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक मीटिंग होगा बड़े नालों के बारे में ये बताना। दूसरा ये है कि जो नालों की सफाई हुई है उसमें उपकरण मैंने हर एक विभाग से ले लिया, JCB पोकलेन कितनी है हमारे पास, देखो हमारे पास बहुत सारे, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी किया है, तो ये मिले हैं। आप लोगों को और इक्विपमेंट चाहिए किसी और विभाग से लगा दो यहाँ पे कि जितना भी हम सफाई करें पानी जब बरस जाता है और खरीद लो यार, कब खरीदोगे बरसात के बाद? आप क्या है अभी सर 32 गांव भी जुड़ गए, कभी और चाहिए सर? और चाहिए तो इसका थोड़ा बना लो एस्टिमेट कितना चाहिए, आप भी बनवा लीजिए प्राधिकरण और ये ले लें। PWD के पास है कोई पंपिंग मशीन? हम लोग कोई नहीं है। और किसी विभाग के पास है? कोई नहीं है। जैसे भी पोकलेन का तो मैंने लिया, पोकलेन का है सर डोमिनगढ़ वाले में एक लगी है सर, जिस हिसाब से वो काम कर रही है 10 दिन से अधिक लगेगा सर, उसमें और लगना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि 13 बड़े नालों का तीनों मजिस्ट्रेट ACM सिटी मजिस्ट्रेट ADM सिटी मुझे बताएंगे। दूसरा ADM सिटी जहां पोकलेन और JCB को अतिरिक्त संबद्ध करना है नगर निगम के साथ, उसमें जल्दी से रिव्यू करेंगे, 2 दिन में कराएंगे। तीसरा जहां पंपिंग मशीन्स और चाहिए तुम्हें, बड़े सक्कर मशीन चाहिए, सक्कर मशीन होते हैं ना जो, तो वो चाहिए, तो उसका BOQ बना के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पाठशाला शिक्षा से फसल सुरक्षा के पाठशाला का आयोजन लखनऊ से कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने गोरखपुर के NIC के भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसानों और अधिकारियों से बात की। गोरखपुर के किसानों विश्वजीत सिंह, हरिशंकर पांडे, रामानुज मिश्रा, अदालत यादव, रंभा देवी, ब्रह्मादेव यादव में से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैंपियरगंज के रहने वाले हरिशंकर पांडे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया। उन्होंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है कि नहीं, फसल बीमा का प्रीमियम कितने का कराया था, फसल नुकसान कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में और भी लोगों के पास पहुंचाएं ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। वहीं किसान हरिशंकर पांडे ने बताया कि कृषि मंत्री ने आज हमसे बात की, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और फसल बीमा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, अगर आप संतुष्ट हैं तो और भी लोगों को इस बीमा के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मंत्री से बात करने में बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक संजय सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी रमेश त्रिवेदी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शत्रुधन सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील किसान हरिशंकर पांडे ने कहा, और अपर मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव कृषि महोदय से ये अनुरोध करता हूँ, चूंकि कार्यक्रम में केंद्र वाले कार्यक्रम में हम लोग करेंगे हमारे किसान भाई बहनों को और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हमारी जनप्रतिनिधि है सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं पूरा बताने की जरूरत नहीं, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो ये सप्ताह 25 तारीख से 1 मई तक का चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता, जिसके अंतर्गत हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान संवाद 24 तारीख को हुआ था, उसके बाद 26 तारीख को हम लोगों ने केवी केज में कृषि विज्ञान केंद्रों में बृहद मेले लगाए थे जिसमें किसान भाइयों और बहनों की भी सहभागिता थी। आज
ये फसल बीमा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग किसान भाइयों के साथ कुछ वार्तालाप करके सेंसिटाइज करेंगे कैसे हम इसका आच्छादन को बढ़ा सकें। और इसके अतिरिक्त जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी 24 तारीख को, उसमें डीएम और सीडीओ थे, शनिवार को की थी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और 24 तारीख को उसमें निर्देश भी भेजे गए थे कि पूरे सप्ताह में हम लोगों को दो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं कि जो लोग बचे रह गए हैं, जो केसीसी को इच्छुक है और केसीसी लेना है, उनको गांव में प्रार्थना पत्र भरवा के उसको बैंकों को भिजवाना, जिसमें लेखपाल की, पंचायत सेक्रेटरी की और हमारे टीएस की टीम वहां रहेगी, जिससे कि वहां पर सारा सत्यापन एक साथ गांव में हो जाए और भेजा जाए। और दूसरा जो कार्यक्रम चल रहा है महत्वपूर्ण, वो है पीएम किसान के अंतर्गत अभी भी 40% हमारे केवल के जो है वो हुए हैं ई केवाईसी। आप जानते हैं कि इस बार की तो संभवतः इस त्रैमास की तो चौमास की तो किस्त जो है वो बिना ई केवाईसी कराए हुए मिल जाएगी भारत सरकार से, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगली वाली जो होगी एक अगस्त से जो मिलने होगी, वो आपको उसके लिए ई केवाईसी कराना जरूरी है 31 मई तक। और मुझे बताना पड़ेगा ओवरऑल करीब 40% 2,55,00,000 किसानों को जिनको किस्तें मिल रही है, 1,03,00,000 ही उसमें अभी ई केवाईसी हुई है। इसमें 5 जो सबसे अच्छे जिले हैं जिन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया है, जो करीब 55-60%, वो है जौनपुर, पीलीभीत, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, चंदौली और मऊ, जिन्होंने बेहतर कार्य किया। हालांकि इसमें भी 40% बचा हुआ है। और जो सबसे पिछड़े जिले हैं 5, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, जिसमें 80% से भी अधिक, और इसमें मैं जोड़ूंगा इटावा, मथुरा, मेरठ, 80% से भी अधिक ई केवाईसी बाकी है। गोरखपुर सर, मैं गोरखपुर से श्री हरिशंकर पांडे जी किसान है, जो जुड़े हैं उनसे हरिशंकर पांडे जी, जरा हाथ उठाइए। जी जी प्रणाम सर, प्रणाम, नमस्कार। जी 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 राम राम पांडे जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आप ठीक हैं? जी सर, कृषि विभाग के योजनाओं से आपने कृषि विभाग के योजनाओं में जी प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना का लाभ उठाया है कि नहीं उठाया है? नहीं मिला है सर। तो आपने कितने एरिया के लिए अपने फसल का बीमा कराया था? टोटल जो है 20 एकड़ का था मेरा। किस फसल के लिए कराया था? धान के लिए। धान के लिए जी। तो आपके धान की फसल में कितनी क्षति हुई थी? लगभग पूरा हो गया सर। पूरा धान आपका बर्बाद हो जी, गया जी। बाढ़ग्रस्त इलाका है कैंपियरगंज। कितने लाख का बीमा हुआ था आपका? टोटल 7,800 रुपया उसका कटा हुआ था। 7,800 जी, 7,800 रुपया तो जी। और जो अमाउंट मिला था प्रीमियम आपको बीमा कराने जाने से आपको कुछ अच्छा अच्छे की अनुभूति हुई? जी 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 बिल्कुल। आपने बीमा कराया तो हमारी सुरक्षा हुई है और हमको कब उसके छत पूर्ति जी जी भरपाई की गई है, आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सेटिस्फाई है इसी से। तो आप इसे इस योजना का और भी लोगों को जानकारी दिया करेंगे? जी जी देते भी हैं, गांव में आने लोगों को देते भी हैं। हाँ, इस समय जो किसान पाठशालाएं चल रही हैं जी, इस कार्यक्रम के भीतर जी जी, तो उसके अंतर्गत आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि आप स्वयं एक किसान हैं जी जी जी, तो इस नाते आपके द्वारा जब जानकारी दी जाएगी तो उनका भरोसा योजना के प्रति और भी बढ़ेगा। जी 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 ठीक है, धन्यवाद आपको। ठीक है, प्रणाम। आप मैं जुड़े हैं सर, मैं कुछ
ग्राम दादरी विकास खंड परमारी जिला महोबा से बोल रहा हूँ सर। इस फसल की बीमा कराई थी सर? मैंने उड़द और मूंगफली की बीमा करवाई थी सर। मूंगफली की कराई जी? कितने एरिया के लिए करवाई थी? 6 हेक्टेयर के लिए करवाई थी सर। आपको कितना प्रीमियम देना पड़ा? नमस्कार आपको। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सिंह साहब? ठीक है। ठीक है। तो आपने किस बात के लिए, किस फसल के लिए आपने अपनी बीमा कराई थी? उर्द के लिए सर। ये उर्द के लिए? उर्द के लिए जी। उर्द के फसल का नुकसान कैसा हुआ था झांसी के इलाके में? पानी सर ज्यादा बरस गया था, फसल गल गई थी। ज्यादा पानी लग गया और खराब हो गई थी जी। तो आपने कितना कितना एरिया का बीमा कराया था? 3.88 एकड़। हरिशंकर पांडे, कैंपियरगंज। मैं आपसे कृषि मंत्री जी बात किया जी जी। क्या उन्होंने यही पूछा कि जो ये फसली बीमा जो होता है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो और लोगों को जागरूक करिए। और क्या क्या उन्होंने बात किया आपसे? इस यही सब खेती बाड़ी और कृषि संबंधित। उन्होंने प्रीमियम के भी बारे में? हाँ, प्रीमियम के बारे में भी पूछा उन्होंने कि कितने की प्रीमियम रही, कितना आपको मिला। कैसे फसल आपकी नुकसान हुई इसके बारे में भी? हाँ, बाढ़ग्रस्त था बाढ़ की वजह से। पाठशाला के माध्यम से आपको क्या उनसे बात करके क्या कैसा लगा? अच्छा लगा, और लोगों को जागरूक करने के लिए बोले हैं और जागरूक हम लोग कर भी रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एंटी करप्शन की टीम ने वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार मौर्य को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लिया था 10,000 का रिश्वत। कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। डीएम ने कहा शासन के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के तहत की जा रही है लगातार कार्यवाही। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए लिपिक सत्य प्रकाश शुक्ला हुआ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को भेजा जेल। गुरधुया नाला के सफाई के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक नाला सफाई के कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पाठशाला का लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री ने कहा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति करें जागरूक। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजपत्रित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारी गोद लेकर विद्यालय के कायाकल्प में दे अपना योगदान। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा गेहूं क्रय में लाएं तेजी, किसानों को निर्धारित अवधि में करें गेहूं के मूल्य का 100% भुगतान, खाद्यान्न के वितरण में घटतौली पर करें कठोर कार्रवाई। कक्षा 4 से लेकर 8 के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा परीक्षा के माध्यम से बच्चों के IQ लेवल की जा रही है जांच। हर 3 महीने पर एग्जाम करवाकर बच्चों को पढ़ाई में बनाया जाएगा निपुण। और पूर्वोत्तर रेलवे
में क्रीडा संघ के तत्वावधान में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं नरसा के संरक्षक अनुपम शर्मा ने किया शुभारंभ। पूर्वोत्तर रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने जीते अपने अपने मैच। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों व राजपत्रित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का निर्देश दिया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प अभियान जून 2018 में शुरू किया गया था। उसमें 19 पैरामीटर में सभी परिषदीय विद्यालयों को संतृप्त करने के शासन के निर्देश थे। उसी निर्देश के क्रम में मिशन मोड में जनपद में कार्य चल रहा है। इसके साथ ही शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जनमानस में जितने भी लोग इच्छुक हैं, उन सभी को स्कूलों को गोद लेने के लिए व्यवस्थाएं दें, जिससे कि अपना अमूल्य योगदान स्कूलों में दे सके और स्कूल को बेहतर बनाया जा सके, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार व समानता का अवसर प्राप्त हो। प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सराहनीय पहल शासन ने की है, जिसके लिए जनपद में लगातार प्रयास किया जा रहा है। CSR के माध्यम से बहुत सारी संस्थाओं को हमने प्रेरित किया है और उनके माध्यम से अच्छा वित्त पोषण मिला है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल गोद लेने के अभियान में जुड़ जाएं, क्योंकि इससे बच्चों का सपना पूरा होगा और स्कूल में बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प अभियान जून 2018 में प्रारंभ किया गया था। उसमें 19 पैरामीटर में
सभी परिषदी विद्यालयों को संतृप्त करने के शासन के निर्देश थे। उसी निर्देश क्रम में मिशन मोड पे इस जनपद में कार्य चल रहा है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और जनमानस में जितने भी लोग इच्छुक हैं उन सभी को स्कूलों को गोद लेने के लिए व्यवस्थाएँ दे दें, एक मैकेनिज़्म बना लें और उसके बाद उन लोगों को एक व्यवस्था दे दें, सुविधा दे दें ताकि वो अपना अमूल्य योगदान इन स्कूलों में दे दें, उनको बेहतर बनाने के लिए हो जाए ताकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार और अवसर की समानता प्राप्त हो। हमारे परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल शासन ने की है, जिसके लिए इस जनपद में हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। CSR के माध्यम से बहुत सारी संस्थाओं को हमने प्रेरित किया है और उनके माध्यम से अच्छा वित्त पोषण मिला है। लगातार इसमें प्रयास किया जा रहेगा और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इस अभियान में जुड़ जाएं। ये बहुत ही पुनीत कार्य है, हमारे बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए स्कूलों में परिवेश बहुत अच्छा रहना अति आवश्यक है। शासन ने परिषदीय विद्यालयों में सारी व्यवस्थाएं संतृप्त करने के लिए मिशन मोड पे काम करने की कवायद उठाई है, इसमें एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना अति आवश्यक है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में पहुंचकर गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों से कहा कि गोदाम में संग्रहित खाद्यान्न की बोरियों को रैंडम तरीके से चेकिंग कराई जाए, उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप हो, खाद्यान्न के निर्गमन में घटतौली की शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, गोदाम में पड़े डेड स्टॉक को नीलामी के माध्यम से निस्तारित करने के निर्देश दिए, मंडी में स्थापित क्रय केंद्रों के गेहूं क्रय की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने गेहूं क्रय का प्रचार प्रसार करते हुए गेहूं क्रय में तेजी लाने के लिए और किसानों को 100% भुगतान निर्धारित अवधि में करने का भी निर्देश दिया। बैठक में सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार सर, अखिलेश त्रिपाठी, DSPC गोरखपुर। नमस्ते सर, जिला प्रबंधक पिक्चर महाराज कुमार आरएम केसी गोरखपुर। सर, डीसी गौतम, जिला कार्यक्रम का देवरिया। सर, नरेंद्र सिंह, संभागीय लेखाधिकारी। राम सिंह, सचिन कुमार, संभागीय खाद्य। नमस्कार सर, जिला प्रबंधक पिक्चर हमारे वहाँ इसको दो प्रोग्राम मुख्य रूप से हो रहे हैं गोरखपुर में सर। एक तो अभी हम लोगों का धान खरीद सब समाप्त हुआ है और उसके बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत हम लोगों का CMR अभी बाकी है गोरखपुर मंडल। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। कोविड महामारी से बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हुआ उसको आकलन करने के लिए बच्चों की एक परीक्षा करवाई जा रही है। मंगलवार को कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का परीक्षा हुआ है और बुधवार को कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का परीक्षा संपन्न हुआ है, जिससे कि छात्रों के पढ़ाई के लेवल को जाना जा सके। इस परीक्षा में ओरल रीडिंग, गणित, अंग्रेजी की परीक्षा की गई है, जिसको मार्कशीट में भरकर उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। उसके बाद निपुण भारत सेंटर से बच्चों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। इस एग्जाम से बच्चों को दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, देखिए चेक करिए सही है। इसी से
बढ़िया देखिए नाम विद्यार्थी का नाम को विद्यार्थी के नाम भी बच्चों को सभी पोस्टर और बढ़िया पढ़िए बच्चों का एग्जाम चल रहा है कैसा चार तरीके आठ सकता है किस तरह का एग्जाम है और किस तरह के एग्जाम ये सरल के माध्यम से जो है मासिक आकलन की परीक्षा है बच्चों की तो हमारे वहाँ तो प्राथमिक है तो 1-3 का कल हुआ आज 4-5 का है 9-10 एक घंटे का पेपर है जिसमें हिंदी और गणित का क्वेश्चन है और हमारे परिवेश से भी जो है बच्चों को फायदा होगा इस तरह का एग्जाम करवाने से बताया जा रहा है कि हर तीन महीने पे इस तरह का एग्जाम होगा आप नहीं देखिए इसमें बच्चों को भी फायदा है और टीचर शिक्षक हमारा ये समझता है कि हमारा बच्चा किस स्तर पे है और उसको हमें किस बच्चे पर कितना फोकस करना है कि वह हमारा बच्चा जो है उस लेवल में आ जाए तो फायदा तो है एग्जाम भी बता रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट भी इसका आ जाएगा हाँ तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी सरल ऐप के माध्यम से आ जाएगा जो हम लोग कर रहे हैं तो देखिए बच्चों में भी एक ललक है कि हम कितना जान रहे हैं कितना पाए हैं और हमें कितना और जानना है और टीचर का भी एक है कि हम अपने क्लास के विभिन्न छात्रों के स्तर को जान पाएंगे और उस स्तर से हम प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पे है और किस स्तर पर ले जाना है। हाँ जी तो 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद बच्चे स्कूल में वे वापस आए हैं उनका दक्षताओं में जो नुकसान हुआ है उसको आंकलन करने के लिए एक परीक्षा की जा रही है और 1-8 के बच्चों को ये परीक्षा की जा रही है। कल 1-3 के बच्चों को परीक्षा की गई थी जिसमें उनके ओरल रीडिंग फ्लुएंसी मैथमेटिक्स नंबर आइडेंटिफिकेशन कॉम्प्रहेंशन एनालिटिकल एबिलिटी सभी की परीक्षा की गई थी और OMR शीट में भर के उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और उसके पश्चात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनका रिपोर्ट कार्ड सूचित करते हुए निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से बच्चों को अभिभावकों को और हमारे टीचर्स को भी रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किए जाएंगे कि बच्चों का वर्तमान दक्षता क्या है और आगे जो निपुण भारत की निर्धारित दक्षताएं हैं वो प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों को बच्चों को मदद मिलेगी और करते रहेंगे ताकि आउटकम बेस्ड प्रणाली हमारे शिक्षा विभाग की हो जाए और इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है बहुत ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस प्रणाली का विकास किया गया है और इस तरह के सिस्टम से हम पूरी व्यवस्था को आउटकम बेस्ड और लर्निंग आउटकम बेस्ड बनाने में कामयाब हो पाएंगे।
महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ अनुपम शर्मा ने सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में 27 से 30 अप्रैल तक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारम्भ किया। 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि रेलवे स्पोर्ट्स 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा और 27 अप्रैल को पुरुष वर्ग में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के अतिरिक्त उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, रेलवे बोर्ड तथा रेलवे सुरक्षा बल की टीमें एवं महिला वर्ग में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा उत्तर रेलवे की टीमें भाग लेने के लिए उपस्थित हुई हैं। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त टीमें उच्च स्तरीय हैंडबॉल खेल का प्रदर्शन करेंगी, जिससे पूर्वांचल के हैंडबॉल प्रेमियों को अच्छे खेल देखने तथा उदयमान खिलाड़ियों का काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय रेलवे हैंडबॉल टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने अच्छे प्रदर्शन के लिए सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मैच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुसज्जित मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम के बीच खेला गया। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी तेज तर्रार खिलाड़ियों के बदौलत यह मैच 21-10 से जीत लिया। पूर्वोत्तर रेलवे की टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका एवं ममता ने 5-5 गोल कर जीत में अपना सराहनीय योगदान दिया। पुरुष वर्ग में रेलवे बोर्ड एवं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17-4 से यह मैच जीत लिया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जीत में मानदीप ने 5 गोल का योगदान दिया। देर शाम महिला वर्ग में दक्षिण मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे तथा पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एवं पश्चिम रेलवे, रेलवे बार्ड एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच मैच खेला जाएगा। इसके पूर्व महासचिव नरसा पंकज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि महाप्रबंधक को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी तथा स्वागत संबोधन किया। संचालन नरसा के आसिफ जहीर ने किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन, प्रमुख विभागाध्यक्ष महासचिव नरसा पंकज कुमार सिंह, सचिव हैंडबॉल के सी सिंह, सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासचिव नरसा एवं पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे श्री अमित कुमार अग्रवाल जी, सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, सभी खिलाड़ी ऑफिशियल्स, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। मुख्य अतिथि महोदय, आपके संरक्षण में पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी 10 सप्ताह ही हमारे रेस्लर गौरव बलियान ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सर, आपने जिस तरह से खिलाड़ियों एवं कोचों को एनुअल अवार्ड के मंच से सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर, यह चैंपियनशिप
आज से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। इसमें पुरुष वर्ग की कुल 9 टीमें तथा महिला वर्ग की 4 टीमें प्रतिभाग कर रही है। आज का उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे महिला टीम और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे महिला टीम के मध्य खेला जाएगा। नॉर्थन रेलवे की टीम के साथ में बात करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि अपर रहे हैं एन डब्ल्यू आर के टीम की तरफ उनके कप्तान से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स, प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, नेवी और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 14वीं अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा और आज विभिन्न क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों की टीमें भाग लेने के लिए यहाँ आई हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त टीमें उच्च स्तरीय हैंडबॉल का प्रदर्शन करेंगी, जिससे पूर्वांचल के हैंडबॉल प्रेमियों को अच्छा खेल देखने का और प्रियमान खिलाड़ियों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सभी टीमों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं 14वीं अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। नॉर्थन रेलवे वर्सेज साउथ सेंट्रल रेलवे दोनों टीमें तैयार हैं।
70 सौ से और इससे तक झंडू है ये सब टूरिस्ट खींचे चौदहवीं अखिल भारतीय रेलवे हैंडबॉल महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप 2022 इसकी शुरुआत इसका शुभारंभ पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनुपम शर्मा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की कुल 9 टीमें और महिला वर्ग की 4 टीमें खेल रही हैं। आज का उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे एवं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मध्य खेला जा रहा है। इन टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीमों में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े खिलाड़ी हैं। उनके खेल को देखकर यहाँ के युवाओं को खेल प्रेमियों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक यहाँ आएंगे और उनको इस खेल के बारे में और इंटरेस्ट और बढ़ेगा और इस खेल का प्रचार प्रसार इस रीजन में होगा। खेल से जहाँ एक प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको जॉब्स मिलती हैं, आप देश के लिए खेलते हैं, आजकल खेल में भी एक करियर है, एक कह लीजिए अच्छा पैसा है, अच्छा अवार्ड मिलता है, सम्मान की बात है खेलना, साथ ही साथ फिटनेस भी अच्छी होती है इससे, इसलिए हम लोग खेल को प्रमोट करते हैं जिससे कि बच्चे फिट हों और भारत का भविष्य जो है वो खेल के माध्यम से भी काफ़ी उज्ज्वल हो सके। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ किया वर्चुअल संवाद। कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एंटी करप्शन की टीम ने वरिष्ठ सहायक सुशील कुमार मौर्या को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लिया था 10,000 का रिश्वत। कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। डीएम ने कहा शासन के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति के तहत की जा रही है लगातार कार्यवाही। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते हुए लिपिक सत्य प्रकाश शुक्ला हुआ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुधवार को भेजा जेल। गुरधोया नाला के सफाई के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 जून तक नाला सफाई के कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पाठशाला का लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री ने कहा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति करें जागरूक। शासन ने सभी जनप्रतिनिधियों और राजपत्रित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारी गोद लेकर विद्यालय के कायाकल्प में दे अपना योगदान। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा गेहूं क्रय में लाएं तेजी, किसानों को निर्धारित अवधि में करें गेहूं के मूल्य का 100% भुगतान, खाद्यान्न के वितरण में घटतौली पर करें कठोर कार्रवाई। कक्षा
4 से लेकर 8 के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का सरल ऐप पर परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, परीक्षा के माध्यम से बच्चों के IQ लेवल की जा रही है जांच। हर 3 महीने पर एग्जाम करवाकर बच्चों को पढ़ाई में बनाया जाएगा निपुण। और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं नरसा के संरक्षक अनुपम शर्मा ने किया शुभारंभ। पूर्वोत्तर रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने जीते अपने अपने मैच। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।